And AFI that is caused or precipitated by a vaccine that is due to one or more quality defects of the vaccine product, including its administration device reported by the manufacturer. अगर वैक्सीन इटसेल्फ जो बन रहा है, जो वैक्सीन आया उसमें कोई दिक्कत हो, या फिर उसके साथ जो डिवाइस प्रोवाइड किया गया है, ये स्टायरर दिया गया हो, या फिर उसके साथ जो आपको प्रिपरेशन के लिए जो वाटर सॉल्यूशंस दिए गए हैं, उस किसी भी कंडीशन में एडजुवेंट दिया गया, उसमें भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसकी वजह से भी हो सकता है. इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शंस, वैक्सीन के हैंडलिंग में कोई दिक्कत हुई होगी, या प्रिस्क्रिप्शन में आपने जैसे उसके जो कंटेंडिकेशन उसको ध्यान में नहीं रखा आपने और उसको वैक्सीन को दे दिया ऐसे लोगों को, या हैंडलिंग में कोई दिक्कत हो गई, प्रिपरेशन के दौरान आपने उस वैक्सीन में कोई इन्फेक्शन आपकी तरफ से ट्रांसमिट हो गया, तो इस कंडीशन में जो हो जाएगा वो होगा इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शंस. इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शंस, कुछ लोग बहुत एंजाइटिक होते हैं, आप देखेंगे इंजेक्शन को लेकर ही डर जाते हैं, आपने जब पहली बार इंजेक्शन दिया हो या देंगे उस वक्त आपको भी एंजाइटी होगी, तो लेने वाले को कितनी एंजाइटी होती है, तो इसलिए बॉडी में कुछ भी आप पियर्स करने जा रहे हैं, ट्रिक करने जा रहे हैं, उससे अक्सर दिक्कत हो जाती है, बच्चों से लेकर बड़ों को भी हो जाती है, तो उस कंडीशन से जो आपको जो फेंट कर जाएगा या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, आपको हो सकता है कि उसको शॉक हो जाए, इस सारी कंडीशन में आपको चौथा जो इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन होंगे. फिफ्थ रिएक्शन होगा कोइंसिडेंटल रिएक्शन, मतलब कि आपने वैक्सीन दिया किसी और का कोई और डिजीज कन्वर्ट हो जाए. मैंने कल भी कहा था कि वैक्सीन के बाद फीवर आ जाना, आपने ब्लेम कर दिया कि वैक्सीन की वजह से होता है, लेकिन हो सकता है मलेरियल पैरासाइट उसके अंदर हो, या कोई और कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, दूसरे भी काउज हो सकते हैं इसको. तो ये पांच चीजें हमने पढ़नी थी, पहली हमने पढ़ ली थी, पहले में हमने देखा था कि उसमें एक जो माइनर होता है और एक जो है आपको कॉमन माइनर रिएक्शन से लेके रेयर रिएक्शन तक पहले में होता है. ठीक है, कॉमन माइनर हमने देखा था लोकल सिस्टमिक होता है, रेयर भी देख लिया था, फिर उसमें क्या उसका ट्रीटमेंट था, फिर डिटेल्स देखा था कि सारी वैक्सीन और उसके हिसाब से क्या रिएक्शन होते हैं और उसको कितना परसेंट तक वैरी करती है. फिर एक अलग से एक चार्ट हमने देखा था, उस चार्ट में देखा था कि सारी वैक्सीन था उसके क्या रिएक्शन थे, उसका क्या ऑनसेट टाइमिंग होता है, कितने दिन पे ये रिएक्शन हो सकते हैं, एंड ठीक उसके बाद हमने देखा था कि उसको रेट और डोजेस क्या हो सकते हैं. उसके बाद एक नई जो डिवाइस आई थी स्लाइड, उसको हम लोग नहीं देख पाए थे, एडवर्स इवेंट क्या क्या होते हैं, जैसे एक्यूट फ्लसेट पैरालिसिस होते हैं, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन में होता है, वो आपको उसको क्लिनिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और वैक्सीन किसकी वजह से होती है. ठीक है, इसी तरह से एनाफाइलेक्सिस था, थ्रेलजिया था, यानी कि जो जॉइंट का दर्द है वो है, आपको ब्रेकियल न्यूराइटिस है, डिसमिनेट पीसीजी इन्फेक्शन है, इंसेफेलोपैथी है, ब्रेन में डेवलप हो जाता है, फीवर हो जाता है, इस कंडीशन कैसी हो जाती है, किस उसका क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और वैक्सीन किसकी वजह से होती है. तो ये चार्ट आपको आराम से रिलैक्स होकर जब शेयर करूंगा देख लीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने के लिए, तो उसी का कंटिन्यूशन चार्ट है जो दूसरा आप देख ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आई थी वो था इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन. इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन जो था कि खुद दो हम पहला पढ़ चुके थे कि एरर अगर उसमें हो तो किस किस लेवल पे हो सकता है. वैक्सीन के हैंडलिंग में अगर कोई एरर हो सकता है वो हम लोग ने पढ़ा था, हैंडलिंग में क्या क्या हो सकता है, या तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाए, हीट में चला जाए, तो उसके लिए हमने देखा था वीवीएम था, वैक्सीन वायल मॉनिटर था, या टेम्परेचर कम हो जाए जिसमें हमने शेक टेस्ट देखा था, कल हमने बात की थी पिछले क्लास में, ये शेक टेस्ट करके आप पता कर लेंगे. इस वजह से रिएक्शन ये होगा कि वैक्सीन आपकी उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वैक्सीन का एक्सपायर डेट ही खत्म हो जाए, आपने ऐसी वैक्सीन यूज कर ली जिसकी वेबिलिटी बची ही नहीं है, तो क्वालिटी कम हो जाएगी और वेबिलिटी नहीं, इस दोनों कंडीशन आपको क्या होगी कि उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी, आपको इम्यूनाइजेशन करने के बाद भी डिजीज के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहेगी. ठीक है, उसके बाद आता एरर इन वैक्सीन प्रिस्क्राइबिंग एंड नॉन एडहेरेंट टू कम, यानी कि आपने वैक्सीन का जो भी वैक्सीन दी जाती है उसके शेड्यूल जो होती है उसका कॉन्ट्रेडिकेशन भी होता है, जैसे एक्सट्रीमली इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो बच्चे होते हैं उसको वैक्सीन जनरली नहीं देते हैं लाइव वाले, आप ऐसी वैक्सीन को देने से बचना. अगर आपने दे दिया इम्यूनाइज जो बहुत ही इम्यूनिटी लो बच्चे को आपने दे दिया ओपीवी, तो उसको वीएपीपी हो जाएगा, यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो पैरालिटिक पोलियो माइलाइटिस, यानी ऑलरेडी ओपीवी देने की वजह से उसको पोलियो हो जाएगा. इसी तरह अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन का और वैक्सीन सर्विस को दिक्कत. इसी तरह जो फोर्थ था वो था क्या था, एरर इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि वैक्सीन को बॉडी में डालते वक्त क्या एरर हो सकता है, या तो जो वैक्सीन के साथ जो डाइल्यूएंट था उसको सही से हमने तैयार नहीं किया, या फिर उसके साथ डाइल्यूएंट के साथ तैयार नहीं करने के साथ जो हमने निकाल के लाया उसको तैयार करने की प्रिपरेशन करने के लिए उसमें वैक्सीन ऑलरेडी जो है वो, या तो वो जो जिसको आपको हीट सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा वो जम गई हो, उसको हमने नहीं देखा,
ठीक है, प्रोडक्ट में कोई खामी उसको हमने नहीं देखा। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो मल्टी डोज होती है, जो होती है वैक्सीन आपकी होती है, उसके तैयार करने में, या फिर बहुत दिन से वो एक बार ओपन किया उसको, उनको दिक्कत कर दिया उसको, यानी छू लिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपने जो इंजेक्टेबल वैक्सीन होती हैं जिसको आपको इंजेक्शन देते हैं उसके नॉब को छू लिया, तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इन सारे कंडीशन में जो इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन है, उसमें ये है कि वैक्सीन की ऑलरेडी आपको देख रेख सही से नहीं करा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा उसको सही से, उसकी वियबिलिटी नहीं देखी, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई, ग्लव्स यूज नहीं किया। अक्सर देखिएगा आपको जब आईवी फ्लूड हम लोग चढ़ाते हैं उस वक्त ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो आपको सेप्टिसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं कि वो जो इन्फेक्शन है आपके हाथ के थ्रू आईवी रूट से उसके बॉडी में चला जाएगा, दिक्कत हो जाती है। इस तरह वैक्सीन में भी इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद जो थर्ड था, वो थर्ड था इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शंस। रिएक्शंस में आपको फेंटिंग हो सकता है गिर जाए, वो टेंशन में घबरा के गिर जाए, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन का केस हो सकता है, ठीक है, इसमें भी दिक्कत होती है कि एंजाइटी बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा इम्यूनाइजेशन के दौरान तो वो चक्कर आके और उसके बाद गिर जाएगा। वोमिटिंग अक्सर लोगों को हो जाता है, कन्वल्सन आ जाता है। कन्वल्सन में क्या होता है, मसल्स बहुत तेजी तेजी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, जकड़न बॉडी में जैसा हो जाता है, जैसे आपको देखेंगे मिर्गी केसेस में आता है उस तरह कंडीशन हो जाएगी। दो मेन चीज जो इसमें होता है वो एक हो जाता है फेंटिंग एंड एनाफाइलेक्सिस। समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आप इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड दो, फेंटिंग एंड एनाफाइलेक्सिस में आप कंपेरिजन करके बताएं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए दोनों की टाइमिंग क्या है। फेंटिंग हमेशा जो है आपको पहले हो जाएगा, यानी वैक्सीन आप जब देने जा रहे हैं घबरा के उसको डर से गिर जाएगा पहले ही, ठीक है, या फिर तुरंत देने के बाद भी हो सकता है। इन कंपेरिजन टू फ्यू मिनट्स तक ये कर सकता है, ये एनाफाइलेक्स शॉक है वो शॉर्ट टाइम की लोग घंटों तक जा सकता है आपको। स्किन में क्या होगा, फेंटिंग में आपको पैलर हो जाएगा, मतलब लगेगा कि आपकी स्किन उसकी उजली पड़ गई, खून है ही नहीं बॉडी में, कोल्ड क्लाइमेट स्किन, ठंडा पड़ जाएगा स्किन उसको। लेकिन एनाफाइलेक्सिस में इचिंग होगा, जनरलाइज एरिथमा यानी रेडनेस आ जाएगी, अटिकेरिया मतलब लगेगा कि हर जगह पित्ती उछल गया पूरे बदन में, स्वेलिंग लिप्स हो जाएगी, लिप्स आपको लगेगी स्वेल कर गई, फेस स्वेल कर जाएगा पूरे बदन में, लिप्स में इसके टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या असर पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉर्मल ब्रीथ रहेगी और शैलो ब्रीथ रहेगी, डीप मतलब लंबी लंबी सांस लेते हैं। लेकिन वही कंडीशन आपको एनाफाइलेक्सिस में डिफरेंट होगा, इसमें टैकिपनिया हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, वीजिंग, एक साउंड होता है जब आप सीटीसी बच जाती है, जब आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पेशेंट को आप एग्जामिन करने जाइएगा बेड साइड में, तो दो तीन तरह के साउंड्स पढ़ने पड़ेंगे, वीजिंग, स्ट्राइडर, इस तरह के साउंड। वीजिंग में भी कोर्स वीजिंग होता है उस तरह से, तो वीजिंग एक साउंड होता है, समझ लीजिए कि अभी जब सीटी जैसी बजती है ना, नैरोइंग ऑफ जब आपका हो जाता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पतला हो जाता है, तो बांसुरी जैसी पतली सी आवाज निकलती है, वो जब सांस लेगा तो हर बार एक सीटी सी बजेगी, दैट इज वीजिंग। स्ट्राइडर होती है खर्राटेदार आवाज, मतलब मौत की आवाज जिसको बोलते हैं, लगेगा कि अभी मरने जा रहा है, ठीक है, हॉर्सनेस हो जाएगी, आवाज फंस जाएगी इसकी, साइनोसिस यानी पूरा ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश स्किन हो जाएगी, फेस से लेके पूरा स्किन स्मेल लगेगा, पूरा हीमोग्लोबिन में जो है कमी हो जाएगी स्किन में, उसकी वजह से इसको लगेगा। और दूसरी चीज होती है रिसेशन ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, दोनों जो इंटरकोस्टल जो ये है आपको दो वर्टिब्रा कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल जो होती है बीच में, वो अंदर की तरह आपको स्पेस जो ना अंदर की तरफ धस जाएगा, लगेगा कि अंदर घुस गया, वो असल में होता है इसलिए कि जब सांस लेने में जब डिफिकल्टी होगी, कहीं भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो जनरली वो ब्रीथ को कंट्रोल करने के चक्कर में ऐसा होता है कि आपकी मसल जो दो इंटरकोस्टल स्पेस वाली वो अंदर की तरफ धस जाती है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो फेंटिंग में उसमें ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, यानी कम हो जाएगी जो स्लो स्पीड हो जाएगी आपकी कार्डियक साइकिल की, उसकी वो हो जाएगी ब्रैडीकार्डिया, वीक पल्स हो जाएगी, जाहिर है कैरोटिड पल्स आपकी फेल्ट होने लगी, हाइपोटेंशन आपकी जो ब्लड प्रेशर है घट जाएगा, और इसको अगर उल्टा देते हैं सुपाइन पोजीशन में ला देते हैं तो इसको क्योर भी हो सकता है। इसमें टैकीकार्डिया हो जाएगी एनाफाइलेक्सिस में, जल्दी जल्दी आपकी जो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स लेकिन इसकी कैरोटिड पल्स में भी वीक या हाइपोटेंशन इसमें भी होगा, लेकिन सुपाइन करने के बाद ये रिजर्व नहीं करेगा, तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट जो आप देख सकते हैं कि दोनों में अलग चीज है। गेस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिम्टम्स होंगे इसमें फेंटिंग में, ये वोमिटिंग में आएगा, इसमें वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी इसमें अपर रेस्पिरेटरी, अपर जीआईटी से लेकर लोअर जीआईटी भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, जो आपका जो एनल ऑरिफिस है उसकी जो स्फिंक्टर है वो भी लूज हो जाएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स अलग, जो आप सीने से सर्वल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स है उसमें फेंटेंस होगा, लाइट हेडेक होगा,
रिलीव्ड बाय सुपाइन पोजिशन। इसमें एक चीज देखिएगा, फ्रंटिंग में जैसे सुपाइन पोजिशन में लाइएगा तो उसकी कंडीशन बहुत सारी रिलीव हो जाएगी। एनफाइलेक्सियम ऐसा नहीं हो रहा, एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नॉट रिलीव्ड बाय सुपाइन पोजिशन, सुपाइन पोजिशन करने के बाद इसमें रिलीव नहीं होगा। तो ये समटाइम्स इन कोर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं उसमें फेंटिंग एंड एनाफाइलेक्सिस में दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। जो फोर्थ वन थी वो था को इंसिडेंटल इवेंट्स। देखिए इस इवेंट में क्या होता है कि वैक्सीन जो हम डाल रहे हैं ना उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर फॉल्टी टेक्निक है या वैक्सीन में कोई दिक्कत आ गई है, या प्रोपोगेशन में हमने पढ़ा था कि वैक्सीन क्या होती है, पीछे पढ़ा था सॉरी कि वैक्सीन वीपीपी हमने देखा था कि वैक्सीन एसोसिएट पैरालिटिक माइलाइटिस हो सकता है। पोलियो की वैक्सीन अगर आपने लेस इम्यूनिटी वाले लोगों को दे दिया तो अगेन उसको पोलियो हो सकता है, क्योंकि जितनी अमाउंट आपको जानी थी एंटीबॉडी क्रिएशन करने के लिए वो ऑलरेडी डिजीज कॉज कर देगी उसके अंदर। यहाँ क्या होता है कि वो वैक्सीन आपने किसी और एंटीजेंस की डाले, किसी और डिजीज के लिए डाले, ठीक है, और डिजीज कोई और डेवलप हो गया। ऐसी कंडीशन होती है। क्यों ऐसी होती है? जनरली हम वैक्सीन किसको देते हैं? बच्चों को। और बच्चों को देते हैं तो उस वक्त उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, कंजेनाइटल से लेकर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑलरेडी पहले से मां से उनको आते हैं कुछ लोगों को। इस केसेस में वैक्सीन दिया किसी और चीज का और दूसरी डिजीज डेवलप हो गई। इसकी वजह क्या होती है कि उस वैक्सीन की वजह से क्या होता है कि जो आपकी पहले से डिजीज उसके अंदर है उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड को ये कम कर देता है। इसकी वजह से जल्दी उस डिजीज के साइन सिम्टम नजर आने लगते हैं। तो हम लोग को या जो पेशेंट होता है या जो उसके गार्जियंस होते हैं उनको लगता है कि अरे यार ये वैक्सीन की वजह से आपको साइड इफेक्ट डेवलप हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कि लेटेंट जो डिजीज आपके अंदर छुपी हुई है इस वैक्सीन की वजह से, प्रोवोकेशंस की वजह से ये फ्रैंक केस में डेवलप हो गई, जो क्लिनिकल अटैक्स उसके सामने आने लगे जो पोजीशन। तो ये कंडीशन अक्सर कब होती है? डीपीटी और डीटी का इन्फेक्शन देने के बाद अक्सर आदमी अक्सर बच्चों को पोलियो हो जाता है। बहुत रेयर केस होता है लेकिन कई जगह ऐसे देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह के भी आपके कॉन्सेंट्रेशन इन्फेक्शन और वो आपको इंसिडेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने पिछले कहा था कि फीवर का केस हो सकता है या फिर और भी जो अंडरलाइन डिजीज है वो प्रोवोक कर जाए। ये इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमेशा वैक्सीन देते हुए प्रिकॉशंस रखना है ध्यान में। प्रिकॉशंस, पहले प्रिकॉशन तो ये ध्यान में रखना है कि जो वैक्सीन के जो स्टोरेज है या फिर वैक्सीन का जो प्रिपरेशन है या वैक्सीन के जितने भी कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में सिर्फ वैक्सीन नहीं होता है, कंपोनेंट्स में डाइल्यूएंट भी होता है, एडजुवेंट भी होता है या फिर स्टायरर होता है या फिर उसके इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आप मिलाते हैं उसको, ठीक है, इंजेक्टेबल फॉर्म में आप देखिएगा कुछ जो है इन्वेसिव चीज होगी। इन सारी चीजों का सही से रख रखाव रखना है, सही से उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना है, शेक ना हो मतलब टूट ना जाए। अगर देते वक्त आपको चेक करना है कि इसके वीवीएम जो है वैक्सीन वायल मॉनिटर है उसमें कलर पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ, डिस्कार्डेबल तो नहीं चला गया या फिर ये जम तो नहीं गया, इस दोनों कंडीशन को एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड को दोनों को आपको ध्यान में रखना। उसके बाद भी इसको एक आदमी होना चाहिए जो हमेशा इसको रिकॉर्ड मेंटेन करे और इसको सब मतलब देखता रहे कि इसमें कोई गलती हुई नहीं हो, अदरवाइज नहीं तो जो लोग इसको रखते हैं वही फिर वैक्सीन देते भी हैं तो उनसे सारी चीज मेंटेन नहीं हो पाती है। स्टाफ हमेशा होना चाहिए उसके रखरखाव को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वैक्सीन के प्रिपरेशन में हमेशा ध्यान रखना है, वैक्सीन को रीस्टोर करने में हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा आपको वैक्सीन देने से पहले लगे कि कोई बच्चा सेंसिटिव है या जिसको वैक्सीन दे रहे हैं वो सेंसिटिव है तो उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर सेंसिटिविटी। दो जगह टेस्ट करते हैं, कंजक्टाइवल एरिया में और एक जो है आपको इंट्राडर्मल एरिया में। क्या करते हैं, 0.2 ml जो है ना वो एंटीसीरा जो लेते हैं हम उसको ऐसे दो बूंद, एक से दो बूंद के आसपास आएगा वो कंजक्टाइवा में अंदर डालते हैं। कंजक्टिव ऐसे आंख को अपने तरफ खींच के एक ड्रॉप डाल दिया या 0.2 ml आपने डाल दिया इंट्राडर्मल, तो आंख में बहुत तेज रिएक्शन अगर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि सेंसिटिव है तो उसको रोक देंगे या आगे फिर उसको रीप्लान करेंगे। लेकिन अगर ये जब इंट्राडर्मल एरिया में डालेंगे तो बड़ा व्हील अगर 10 मिनट के अंदर डेवलप हो जाता है समझिए कि बहुत सेंसिटिव है, फिर उस चीज को आप थोड़ा सा रोक देंगे या फिर उसको आदमी को दूसरे असेसमेंट की तरफ जाएंगे। इस कंडीशन में हमको वैक्सीन नहीं देना है। दूसरे, वैक्सीन के पहले टेस्ट किया बाद में भी हम इसके लिए प्रिकॉशन रखते हैं कि अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जा रहा है, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि उसको डेवलप हो गया या कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई, शॉक गिर गया वो बेहोश हो गया, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा एड्रेनलिन रखना है जो इमरजेंसी ड्रग है, 1:1000 सॉल्यूशन इसका रेडी रखना है हमेशा, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरी इसको देख देंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक में। और ठीक है, और बीपी देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमेशा आपने देखा था कि बीपी लो हो जाता है, तब तक इसको एवरी 20 मिनट्स पे देते रहेंगे 0.5 ml इंट्रामस्कुलरी जब तक इसकी बीपी 100 से सिस्टोलिक जो इसका बीपी है मतलब ऊपर वाला
जो हम 120 लिखते हैं वो जब तक 100 से ऊपर ना आ जाए, अक्सर आपका सिस्टोलिक जो 80 60 40 70 60 तक पहुंच जाएगा, तो तब तक इसको हर 5 मिनट पे 5 ml इंटरमस्कुलरली देते रहेंगे जब तक इसकी बीपी सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर इसका 100 से अबव ना आ जाए। दूसरा आपको देखिएगा कि बहुत सारे कंडीशन में आपको अगर एनाफिलेक्टिक शॉक नहीं आता है तो ऐसे लोगों देखिएगा पित्ती चल जाता है या टिकेरिया डेवलप हो जाता है, पूरे बदन में रेडनेस आ जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको एंटी हिस्टामिक ड्रग रखना है। क्लोरफेनारमिन जो है रखिएगा वो इंट्रामस्कुलर इसको देते हैं 10-20 ml इसको देते हैं इंट्रामस्कुलर में, इंट्रावेनस मत दे दीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस हमेशा आपको एज ए डॉक्टर अगर आप किसी वैक्सीनेशन टीम में हैं या फिर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या लोगों को कहीं हो सकता है टीचिंग में पढ़ाना है या फिर आपको हो सकता है कि कहीं पे ड्यूटी इंटर्नशिप में लग जाए तो इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना है, क्योंकि जो वैक्सीन दे रहा होता है वो आप देखिएगा कि वो मल्टीपर्पस वर्कर होता है, उसको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती, माउथ टू माउथ जो बता दिया वही उनको पता होता है। यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस थिंग, इस प्रिकॉशन को सामने रखना है। इस अगर ये प्रिकॉशन आप सामने रखते हैं तो बहुत सारे केसेस आप हैंडल कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। और वो जो पीछे आपने पढ़ा कि कितने दिनों में कौन कौन वैक्सीन के रिएक्शन आ सकते हैं, पहले से ये बता देंगे आप पेशेंट्स को या जहाँ वैक्सीन दे रहे हैं तो उनकी एंजाइटी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि लोगों को डर भाग जाएगा, अगर यार इतना तो होता ही है वैक्सीन में, ठीक है। इस चीज को पहले से मन में डालना है, मन में पेशेंट के ये नहीं बना देना है कि कुछ नहीं होना है आपको, अदरवाइज उसके बाद खांसी भी होगी तो फिर वो क्लेम लेके आएगा और आगे किसी को वैक्सीनेशन कराने से रोकेगा कि देखिए इतनी दिक्कत हो रही थी, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था। इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी था कि व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो न्यूली टर्मिनोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट विल गो फॉर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देखिए बहुत सारी केसेस हैं कि आपको महाराष्ट्र की एक स्टडी जिसमें दिखाया गया है कि 10,612 बच्चे 10 साल में मरे उसकी वजह से। 10,612 आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा लेकिन ये कई लाख वैक्सीनेशन के बाद का ये आपको रेशियो, 2008 की एक स्टडी है उसमें कह रहे हैं, ठीक है। 187 पोस्ट इम्यूनाइजेशन डेथ रिकॉर्डेड इन स्टेट इन लास्ट डिकेड, ये भी महाराष्ट्र की स्टडी है मुंबई की। तो कितने दिन में, लास्ट डिकेड यानी 10 साल में ये बात बताया, अब इसमें करोड़ों बच्चे को इम्यूनाइजेशन किया गया होगा, ठीक है। अब हम जो एक मॉडल, इससे पहले आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पहले मैं आप चाहूंगा कि आप लोग इस स्लाइड को, आप लोग के सामने स्लाइड आ गई जिसपे इन्फेक्शियस डिजीज मॉडल लिखा हुआ है, सद्दाम और सफियन ये स्लाइड दिख रही है आपको जिसपे इन्फेक्शियस डिजीज मॉडल लिखा हुआ है, स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर दिख रही है। ये पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था जब इन्फेक्शन पढ़ रहे थे, याद है ना, इसमें हमने पढ़ा था कि एक डिजीज को कंप्लीट होने में तीन चीज की जरूरत पड़ती है, होस्ट बहुत अच्छा हो, मतलब कि ससेप्टेबल होस्ट हो, वो डिजीज के लिए प्रोन हो, पहले से उसकी बॉडी तैयार हो, कम इम्यून हो वो डिजीज। दूसरा क्या था, पैथोजन मॉस्टर हो, मतलब कि अमाउंट एंड वर्जनिसिटी ऑफ जो पैथोजन जो डिजीज आ रही वो भी मॉस्टर हो, एनवायरमेंट यानी फेवरेबल कंडीशन भी हो, तीनों चीजें जब एक साथ मिलेगी तब जाकर डिजीज होगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखता है, तीनों चीज को जानने की जरूरत क्या है। अगर डिजीज को हमको कंट्रोल करना है तो होस्ट को भी, जैसे आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग COVID-19 में, जितने होस्ट हैं, ह्यूमन होस्ट है जिसमें डिजीज फैल रही है, सबको घर में बंद कर दिया, क्वारंटीन कर दिया, आइसोलेट कर दिया, जिसको लॉकडाउन अप कर रहे हैं। पैथोजन से उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वैक्सीन डेवलप हो जाए, दवा डेवलप हो जाए। एनवायरमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे लॉकडाउन करके कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी पब्लिक प्लेस में लोग ना जाए और फैले ही ना चीजें, इंतजार कर रहे थे कि हम लोग किस तरह गर्मी आ जाएगी थी कम हो जाएगा। तो आपको इस मॉडल को समझना है कि डिजीज के ट्रांसमिशन में तीन जगह ऐसी जगह है जहां पे हम लोग ध्यान देंगे, एक तो सोर्स या रिजर्वर जहां से ये डिजीज आ रही है, दूसरे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये फैल रही है, तीसरे किसको हो रही है डिजीज। इन तीनों चीज को आप जानिएगा तो आपके पास तीन जगह काम करने का मौका है। देखिए एक आदमी को, जैसे पूरी दुनिया से इंसान को आप खत्म नहीं कर सकते, जैसे कुत्ते में कोई बीमारी फैल रही है डॉग में, तो आप क्या करेंगे कि उस इलाके के सारे डॉग को मार देते हैं। अगर आपको चिकन में हो सकती है तो सारे पोल्ट्री फार्म के चिकन को मार दिया आपने, चिड़िया में उसको खत्म कर दिया, बिल्ली में उसको खत्म कर दिया, इंसान में डिजीज हो गई क्या इंसान को मार देंगे आप? नहीं मार सकते ना। इस जगह पे क्या होगा, होस्ट को आप क्वारंटीन करेंगे, आइसोलेट करेंगे उस केसेस को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डिजीज कहां से फैल रही है, जैसे पानी से फैलती है कोई डिजीज, GIT में होने वाली डिजीज, टाइफाइड आप देख लें, फूड बॉर्न डिजीज होती है, तो उसमें क्या करेंगे, इस
पानी को हम क्या करेंगे कि पानी के फिल्ट्रेशन लेवल को हम मेंटेन करेंगे किसी तरह से, इतना अच्छा मेंटेन हम करेंगे या तो फिजिकल मेथड यूज करेंगे जिसमें हमने देखा था कि स्लो सेंड फिल्टर या रैपिड सेंड फिल्टर या डिफरेंट छलनी का इस्तेमाल होता है, या फिर केमिकल मेथड यूज करते हैं जिसमें आप जो क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ही रोक दिया तो पता चला जिसको डिजीज होती है वो भी तैयार था, जहां से आ रही है डिजीज वो भी था, लेकिन हमने ट्रांसमिशन ही रोक दिया। अभी क्या किया था हमने कि पूरे एरियल ट्रांसमिशन को रोक दिया, इंटर जो स्टेट था उसको रोक दिया, उससे पहले इंटर कंट्री भी हमने रोक दिया ट्रांसमिशन को, नहीं तो चाइना से या दूसरे मुल्कों से इंडिया में आना था वो रुक गया। ये अगर नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेहतर क्या है कि जो सोर्स है जहां से डिजीज फैल रही है उसको ही रोक दिया। जैसे किसी ने आपको कह दिया कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स में उसके यहाँ फलां स्कूल में फैला हुआ है, तो पहले काम क्या करना है, स्कूल को बंद करना है, उन बच्चों को आइसोलेट कर देना है या क्वारंटीन कर देना है, या फिर आपको पता चला कि ये जूनोसिस है मतलब एनिमल से डिजीज ट्रांसफर हो रही है इंसान में, तो आपको क्या करना है कि उस एनिमल को आपने खत्म कर दिया, या आपको पता चला कि ये आपको फलां जगह गड्ढे से वहां मलेरियल पैरासाइट डेवलप हो रहे हैं और उसको जो मच्छर लेके हमारे तक आ रहा है, तो पूरे वो पानी में आपने छिड़काव कर दिया या तो केमिकल या फिर आपको बायोलॉजिकल मछलियां छोड़ दिया जो खा जाती है उसके अंडे लार्वा को उसके पॉजिटिव एजेंट को, तो उससे आपको चीजें नहीं फैलेगी। इस तीनों लेवल पे कहीं भी अगर आप ब्रेक लगा सकते हैं तो आप डिजीज के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो होस्ट है आपका होस्ट देखिए इस ससेप्टेबल होस्ट के लेवल पर बैरियर करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया कि जो आपको इंसान है उसमें डिजीज ना आए या चले भी जाए तो उस यहाँ पे होस्ट लेवल पे हम लोग उसको बैरियर लगाते हैं। उसी में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है, वैक्सीन हम लोग पढ़ रहे हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दो तीन लेवल पे होता है, एक तो जो देखिएगा पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की वो अलग रिलीज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग रिलीज करती है, WHO का एक अलग शेड्यूल है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग देश में अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्लॉक्स में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अलग हो सकता है, ठीक है, इसलिए कि वहां के लोगों की डिजायर कुछ और है। पता चला कि पश्चिमी चंपारण में मलेरिया का प्रकोप नहीं है लेकिन आप उधर मिथिला चले जाइए तो मलेरिया खूब है, या वेस्टर्न आप बिहार में आ जाइए तो वहां पे आपको दूसरी डिजीज ज्यादा है, तो उस हिसाब से शेड्यूल तय होता है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक शेड्यूल है जिसको हम लोग फॉलो करना है, वो इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले जो इम्यूनाइजेशन का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आया वो 1974 में WHO ने लाया, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1974 में, उसका नाम दिया एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, दैट इज EPI, ठीक है। किसके खिलाफ किया इसने, सबसे पहले जो स्टार्ट किया 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वो डिजीज जो वैक्सीन से रुक सकती थी उसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में। वही प्रोग्राम लॉन्च हुआ इंडिया में 1978 में, और वो 6 किलर डिजीज थी, डिप्थेरिया, वूपिंग कप जिसको पर्टोसिस बोलते हैं आप, टेटनस, खासकर न्यूनेटल टेटनस, पोलियो, पोलियो अब एरेडिकेट हो चुका है अपने यहाँ से, ट्यूबरक्लोसिस, अभी भी बहुत लेवल पर ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में पाया जाता है। इसको 1990 में यूनिसेफ ने इसका नाम दिया यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। UIP जो UIP था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, इंडिया में नवंबर 1985 में ये लॉन्च हुआ, 78 में तो एक्सटेंड प्रोग्राम आ गया, यूनिवर्सल प्रोग्राम के नाम से आया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, जो मर गई थी 84 में, उनके मेमोरी में इसको नाम दिया गया, उनको डेडिकेट किया गया। और इसका टारगेट क्या था कि 1990 तक जितनी भी आपको एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें यूनिवर्सल पॉपुलेशन 100% हम लोगों तक पहुंचा देंगे, ये टारगेट लग के इसको रखा गया नेशनल शेड्यूल्स का, ठीक है। अभी ये 6 डिजीज जो आप देख रहे हैं, डिप्थेरिया, वूपिंग कप, टेटनस, पोलियो, TB, इसमें से आपने देखा कि पोलियो इंडिया से 2014 में इरेडिकेट हो गया, ठीक है, और टेटनस 2015 में, जो न्यूनेटल टेटनस है जो मदर को होता है, बच्चों को हो सकता है डिलीवरी के वक्त, वो भी लगभग 15 से खत्म हो गया इंडिया से। वूपिंग कप, डिप्थेरिया और आपको ट्यूबरक्लोसिस का मामला अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। इसको इसके बाद आपने अभी देखेगा एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया, फिर उसके बाद 2017 में सरकार ने लॉन्च किया इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष, यानी उसमें थोड़ा सा और एडिशन किया गया। इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देखा गया कि कितनी भी कोशिश हम लोग कर पा रहे हैं 80s से लेके 97 तक 70% से ज्यादा इम्यूनाइजेशन कवरेज बच्चों को नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
इस चीज को ध्यान में रख के भारत सरकार ने 2014 में लाया, 25 साल जब पोलियो के इम्यूनाइजेशन का डेट पूरा हुआ 2014 में, 2004-5 में लॉन्च हुआ था, आप लोग को अगर 1994-95 में लॉन्च हुआ था पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो जब उसके 25 साल पूरे होने पे 1914 में भारत सरकार ने लॉन्च किया मिशन इंद्रधनुष, उसका काम क्या था कि ऑनगोइंग प्रोग्राम को थोड़ा सा थ्रस्ट देना, मतलब जो प्रोग्राम भारत सरकार का चल रहा है इसका कवरेज ज्यादा ज्यादा बढ़ा जाए। इस लेवल पर भारत सरकार ने क्या किया कि उसको 7 डिजीज को उन्होंने कैटेगराइज किया, उसकी बात आगे आएगी, हम बात करेंगे। और उस भारत के ऐसे पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चुना गया जिसमें इम्यूनाइजेशन का रेट बहुत कम है, और उसको एरिया में इंटेंसिफाई करने की जरूरत हुई, ब्लॉक लेवल पे बांट के और उस एरिया में डिजीज का वैक्सीनेशन के शेड्यूल्स को, वैक्सीनेशन के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने उसको लॉन्च किया। तो वो आगे हम लोग मिशन इंद्रधनुष में देख लीजिएगा, ये एक मिशन इंद्रधनुष था जो भारत सरकार ने 2014 में लॉन्च किया था। इसमें दो लोगों को टारगेट किया था, एक तो बच्चा जो 2 साल से कम है और प्रेग्नेंट वुमेन, खास के वो लोग जो नॉर्मल वैक्सीनेशन से छूट जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 201 डिस्ट्रिक्ट को आपको दिया गया था, उसमें 201 डिस्ट्रिक्ट में से 80 डिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का था, ठीक है। इसमें से ज्यादातर आपको 50% जो है ना अनवैक्सीनेटेड पार्शियली वैक्सीनेटेड थे, मतलब ज्यादातर लोग इसमें वैक्सीन नहीं हो पाए थे, कवर नहीं हो पाया था। इसमें जो इंद्रधनुष आपने देखा होगा, इसमें 7 रेनबो के कलर होते हैं, उसी हिसाब से 7 डिजीज को रखा गया था, मीजल्स, डिप्थेरिया, पोलियोमायलाइटिस, वूपिंग कफ, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड ट्यूबरकुलोसिस। आपने सोचा होगा पोलियोमायलाइटिस तो खत्म हो गया, इरेडिकेट हो गया था, लेकिन उसका IPV फिर लॉन्च किया गया था कि एक बार इरेडिकेशन डिक्लेयर होने के बाद 4-5 साल तक उसके फेज को आगे बढ़ाते हैं ताकि जो भी बचा रह गया उसको भी हम कवर करें। फिर आगे चल के उसमें 5 डिजीज और बढ़ाई गई, रूबेला के अगेंस्ट रोटा वायरस जो लॉन्च हुआ, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, हमने कहा कि IPV जो लॉन्च किया गया वो हुआ, एंड HIB जिसको कहते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो ये मिशन इंद्रधनुष में लॉन्च हुआ। फिर आगे जाके इंद्रधनुष को इसका जो इंद्रधनुष है उसको लाया गया इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष। तो मुझे लगता है कि टाइम खत्म, इसके बाद क्लास आप लोग की? यस सर, क्लास है अदीप सर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे, या चूंकि इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 15-20 मिनट लगेगा और जो इंटेंसिफाई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उस पर भी 5 मिनट लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लें इसको। यस सर। आप लोग को एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, 2 मिनट है हमारे पास। तो बच्चे में ये वैक्सीन क्यों देते हैं, बड़े को क्यों नहीं दे सकते हैं?